कोई आपके दरवाजे पर आए राम मंदिर के लिए चंदा मांगने, आप उसे इनकार करेंगे? शायद नहीं। और जब आप चंदा दे चुके हो, उसके जाने के बाद आपको इस बात का पता लगे कि वो असल में आपको धोखा देकर चला गया है, वो पैसा राम मंदिर तक नहीं पहुंचेगा, तो क्या आप अपने को ठगा हुआ महसूस नहीं करेंगे? तो फिर ये पता कैसे लगे कि आपसे जो चंदा मांगने के लिए आया है वो व्यक्ति सही है और आप किसी धोखे का शिकार नहीं हो रहे? इसके लिए हम आज आपको कुछ चीजें बताएंगे। इसके लिए विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय प्रवक्ता विनोद बंसल कहते हैं कि रसीद बुक पर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट लिखा हुआ है। दानदाता भी इस बात को इंश्योर करें कि पर्ची पर ट्रस्ट का लोगो और नाम ठीक लिखे हुए हैं या नहीं। ये अभियान VHP द्वारा श्री राम भूमि तीर्थ क्षेत्र के लिए किया जा रहा है और वही आधिकारिक संस्था है जो कि राम मंदिर को अयोध्या में बनाएगी। अब दान देते हुए इस बात का ध्यान रखें कि असली रसीद पर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट लिखा हुआ है और ये रसीद सिर्फ 10 रुपए, 100 रुपए और 1000 रुपए की। अगर कोई 2000 रुपए या इससे ज्यादा का चंदा देना चाहता है तो उसे अलग से रसीद दी जाती है। नकली रसीदों पर मिलते जुलते नाम हो सकते हैं और उनमें भाषा और मात्रा की गलती हो सकती है, लिहाजा दान देने से पहले आप इस रसीद को अच्छे से जांच लें, इसकी पड़ताल करें। विनोद बंसल ये भी बताते हैं कि जो पैसा उनके कार्यकर्ताओं के पास जमा होता है उसे 48 घंटे के भीतर ट्रस्ट के बैंक खाते में जमा कराया जाता है। जो जो टोली के प्रमुख हैं उनको एक बैंक कोड अलॉट किया गया जिसके आधार पर वो अपनी निकटतम शाखा में जाकर पैसे जमा करा सकते हैं और ये पैसे केवल 3 ही बैंकों में जमा कराए जाते हैं, एक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, दूसरा बैंक ऑफ बड़ौदा और तीसरा पंजाब नेशनल बैंक। पूरे देश में 10 लाख टोलियां बनाई गई हैं और कुल 40 लाख कार्यकर्ता इन टोलियों के अंदर शामिल। बंसल के मुताबिक अगर आपको दान लेने के लिए आए आदमी पर जरा सा भी शक है तो आप सीधे श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट से संपर्क कर सकते हैं और इसके लिए ट्रस्ट की वेबसाइट पर जो हेल्प डेस्क का नंबर दिया गया वो हम आपको बता देते हैं। नंबर है 800-9522।